यदि आपको हम लोग आंदोलनकारियों से भय है तो माननीय मुख्यमंत्री की सुरक्षा को दोगुने कर लीजिए, बाकी टाइम तो दीजिए, हम लोग आएंगे। तो उनका कहना था कि 11 से 1 के बीच मुख्यमंत्री आएंगे, आप 2 बजे के बाद आइए। हम बोले वो भी सही है, लेकिन यकीन मानिए मुख्यमंत्री ने झारखंड के इतिहास में पहली बार है कि अपना दौरा को कैंसिल। लेकिन जब तक हम लोग थाना में बैठे थे एक भी वर्दीधारी ना दरोगा आया, ना इंस्पेक्टर आया, ना बड़ा बाबू आया। क्या होगा? हम बोले कुछ नहीं, एगो जीप आगे रखिए, एगो बीच में पीछे, हमारा गाड़ी बीच में रहेगा, बोकारो छोड़ के आइए। फिर यकीन मानिए रात 10 बजे थाना प्रभारी दल बल के साथ, तो फिर हमको बोकारो छोड़ के आया, तब जाके रिटर्न गया है। कारण एजुकेशन। और ताजुब के बाद तोहनी के बताया जैसे आप कि माननीय मुख्यमंत्री 1 जनवरी जो कार्यक्रम हलाय खरसवा में गोलीकांड के श्रद्धांजलि अपन रास्ता बदल ले, क्या कार्यक्रम में हम जा हले, जबकि हमने के 31 दिसंबर तक 31 दिसंबर रात तक वो जिला के वरीय पुलिस पदाधिकारी फोन कर ले कि आपसे निवेदन है, क्योंकि आप जब भी आते हैं तो आपका नया लड़का लोग का चेंगड़ा लोग का टीम है, बहुत मने उग्र होके आता है, तो मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं तो आप मैं नहीं आइए। पुलिस अधिकारी हमारा निवेदन कर ला कि आप उस दिन नहीं आइए। हम कहे देखिए सर, जो शहीद है वो सबका है, मुख्यमंत्री का भी है और इस राज्य के आम व्यक्ति का भी है। यदि आपको हम लोग आंदोलनकारियों से भय है तो माननीय मुख्यमंत्री की सुरक्षा को दोगुने कर लीजिए, बाकी टाइम तो दीजिए, हम लोग आएंगे। तो उनका कहना था कि 11 से 1 के बीच मुख्यमंत्री आएंगे, आप 2 बजे के बाद आइए। हम बोले वो भी सही है, लेकिन यकीन मानिए मुख्यमंत्री ने झारखंड के इतिहास में पहली बार है कि अपना दौरा को कैंसिल किया। इसीलिए कैंसिल किया कि लोग पढ़ा लिखा लड़का है, क्या पता बगल में सवाल कर देगा माइक लेके। हाल फिलहाल एगो थाना गए थे हम लोग डिटेन करने के लिए, खुद गए थे, लेकिन जब तक हम लोग थाना में बैठे थे एक भी वर्दीधारी ना दरोगा आया, ना इंस्पेक्टर आया, ना बड़ा बाबू आया, जब तक थाना में बैठे थे। फिर हम लोग जैसे निकले 30 सेकंड भी नहीं हुआ इंटरव्यू, कारण ताकत हम लोग कोई 30 मार्का नहीं है, ताकत है कि पढ़े लिखे हैं, जानकारी रखते हैं। अरे झारखंड छोड़ी, हम लोग बंगाल होके एक दिन क्रॉस किए तो बंगाल में भी बोल दिया कि लड़का आंदोलनकारी है, बंगाल में भी आंदोलन वाला डिस्टर्ब करेगा, सीधे बैरिकेडिंग लगाया और बोला हम लोग आप ही के लिए यहाँ रुके थे बंगाल में। एक आवाज में दो दो को रैपिड फोर्स आया, लगभग नहीं कर 50 का संख्या में रैपिड फोर्स आया। अब वहां के पुलिस अधिकारी आके बोले कि आपको पुरलिया जाना, पुरलिया जिला में आना मना है। हम बोले देखिए भारतीय संविधान में स्पष्ट लिखा है आप किसी से क्षेत्र के आधार पे, जाति धर्म लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते हैं, अतः अगर हम कोई अपराधी हैं तो आप हमको डिटेन कर सकते हैं, हमें जाने से रोक नहीं सकते हैं। लास्ट में अधिकारी ने कहा, उस अधिकारी ने कहा तो क्या करना होगा? हम बोले कुछ नहीं, एगो जीप आगे रखिए, एगो बीच में पीछे, हमारा गाड़ी बीच में रहेगा, बोकारो छोड़ के आइए। फिर यकीन मानिए रात 10 बजे थाना प्रभारी दल बल के साथ कि भाई कहीं बंगाल में भी डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि बंगाल भी भले आज पुरलिया बंगाल में आता है लेकिन याद रखिए वो झारखंड का हिस्सा था, अलग झारखंड का जो हम लोग मांग किए थे उसी का वो पार्ट था। तो फिर हमको बोकारो छोड़ के आया, तब जाके रिटर्न गया है। कारण एजुकेशन। इसलिए आज जितने भी नौजवान हैं उनसे हमारा प्रार्थना यही होगा कि आज जिस प्रकार की राजनीति हो रही है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, आज नौजवान कहते हैं आई हेट पॉलिटिक्स, गलत कहते हैं, आई हेट पॉलिटिक्स, बहुत सारे नौजवान पढ़े लिखे नौजवान बोलते हैं कि हमको राजनीति से नफरत है। जी नहीं, राजनीति यानी भारत का संविधान, भारत का संविधान यानी गणतंत्र, यानी जो लोग कहते हैं आई हेट पॉलिटिक्स वो देश से नफरत करते हैं, कि भारत एक राजनीति का देश है भैया। इसलिए आज पढ़े लिखे नौजवानों को अपनी भाषा को बदलना होगा। आज हम लोग इसी नजरिए के कारण कि आई हेट पॉलिटिक्स, गलत लोग, चोर उचक्के लोग राजनीति में आकर बागडोर को संभाले हैं, क्योंकि पढ़ा लिखा लोग का बोली है कि आई हेट पॉलिटिक्स, तो बोका लोग तो बोलेगा आई लव पॉलिटिक्स। इसी कारण आज राज्य का ये दुर्दशा है। बताइए अभी देखिए वो मंत्री कुछ प्रकरण में कांड में फंसा हुआ है, खैर चूंकि उस विषय में हम नहीं बोलते हैं लेकिन बताना चाहेंगे, मैट्रिक नहीं पास किया है, किया होगा तो घुस से किया होगा,
तो पढ़ा लिखा एमए बीए पीएचडी वाला लड़का लोग बोलता है आई हेट पॉलिटिक्स, इसीलिए मैट्रिक फेल लोग बोलता है आई लव पॉलिटिक्स, और पीएचडी वाला को अपने नीचे रखता है। ये मंत्री जी के घटना सुना रहे हैं, ये पटमदा का कोई कॉलेज गए हुए थे और वहां जाके स्टूडेंट को क्या बोल रहे पता है कि अरे हमना जब मैट्रिक का परीक्षा लिख रहे थे उस समय वो एसडीओ हमको पकड़ लिया नकल करते हुए चोरी करते हुए मैंने पुर्जा के साथ, आज वो एसडीओ मेरा सेक्रेटरी है और हम मंत्री बन गए। तो सोच के देखिए पटमदा का जो भी स्टूडेंट अगर पटमदा में आपके साथी हैं उस कॉलेज में जाके एक मंत्री जो संवैधानिक पद पर है और कितना नकारा भाषण दे रहा है कि हम मैट्रिक में चोरी कर रहे थे, अभी गर्व से बोल रहा है। तो इसीलिए आज देखिए ये जो आंदोलन जिसका आगाज धनबाद बुकारो से हुआ है इसे पूरे राज्य का समर्थन मिल रहा है, और इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये समय की मांग है। यदि ये समय की मांग नहीं होती तो आप ही बताइए ना, हम लोग एक मामूली सा छात्र है, जब हम लोग आंदोलन को पहली बार धनबाद जिला का जो रणधीर वर्मा चौक है जिला मुख्यालय जहां हम लोग विरोध करने गए थे पुतला दहन करने के लिए, मात्र 50 को लड़का था, जब हम लोग 10 जनवरी 2022 को पहली बार जोरदार तरीके से धनबाद जिला में विरोध करने गए थे हम लोग डरे मात्र 50 को लड़का गए थे, आज लगभग 5 करोड़ लोग इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। मात्र 50 को लड़का, क्यों न समय की मांग थी। आज हमको मीडिया वालों ने पूछा कि भाई इतना जल्दी आप कैसे लोकप्रिय हो गए, आज आपको झारखंड के अलावा 2-3 स्टेट का लोग देखने लगा। हम बोले हम लोकप्रिय नहीं हुए हैं, हम जिस दिन जो स्पीच रखे थे उस स्पीच को सुनने के बाद नौजवानों ने यही कहा करे वो लड़का तो हम खुद हैं, बोलना हम भी चाहते हैं। हर एक नौजवान के अंदर भड़ास थी कि भाई गलत हो रहा है, बस उनको बोलने वाला नहीं मिला था, यानी जिन्होंने हमको समर्थन दिया उनका यह मानना था कि वो जरा मां तो नहीं है, वो शख्स में हम छुपे हैं। हम लोग नहीं बोलते हैं कि बतवा पेटवा में हलो मुहवा में ना आओ, तो बस पेटवा में सबके हल कि भाई गलत भय रहा है, बाहरी ना के यहाँ सताए रहा है, बाहर के कंपनी आए के यहाँ के सारा खनिज लूट के ले जा रहा है, यहाँ पहाड़ के पत्थर तो नदी के बालू लूट रहा है, बोले वाला सभी हल है लेकिन बतवा पेटवा में अटकल हल है, बस हमने मुहवा से बोल दिलिए एकर से एक्स्ट्रा हमने कुछ नहीं करी, यानी कुल मिलाई के समय के मांग है। कई कहले गए कि जब जब व्यक्ति पे जुल्म शोषण बढ़ा है तो कोई ना कोई एगो मंच मिला है कि कोई ना कोई एगो आवा है जकर माध्यम से, तो बस हम एक विचार लगे आज धनबाद और बोकारो के आंदोलन के यदि पूरा राज्य में नैतिक समर्थन मिल रहा है तो कारण कि हर तरह से झारखंड के जो वासी है किसी न किसी स्तर से या तो तकलीफ में है दर्द में है, और है ये है क्योंकि झारखंड से ज्यादा विस्थापन के दर्द क्यों देख लेना है। बहुत जन इधर सोचे कि ना ये लड़ाई तो स्टूडेंट के लगे, अरे स्टूडेंट की सिर्फ थोड़ी है, किसान की लड़ाई है, मजदूर की लड़ाई है, प्रवासी मजदूर की लड़ाई है, हर तबका की लड़ाई है, हर तरह से ही लड़ाई है। सह खातिर आज ये आंदोलन इतना दूरी तक अले, इतना कम समय में मात्र 1 साल में आज अगर इतना दूरी तक आंदोलन अले तो कारण हलाय कि समय की मांग,